नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बढ़ते कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बड़ी तादाद में कर रहे हैं और मार्केट में इसकी मांग भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में ये आसानी से मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। फूड एंड ड्रग्स विभाग की माधुरी पवार, शुभांगी खुजवले, विद्रेद्र रवि ने कोरोना वायरस के संदर्भ में मुम्बरा के सिद्दीकी बाग में नानल फार्म केयर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जानकारी दी कि किसी तरह के मास्क कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल करें और हैंड सैनिटाइजर का स्टिकर यानी ब्रांड देखकर ही खरीदें, हाथ मिलाने से बचें और बातचीत भी करीब एक मीटर की दूरी बनाकर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी ये सुनिए। तो और ऐसा है कि सबसे एक थोड़ा सा डर की वजह से सबने वो जो हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क खरीदने का जो शुरू किया है, तो पहले इतना कोई स्टॉक करके रखता नहीं था, तो ये अचानक डिमांड बढ़ गई। तो ऐसे ने लोगों ने प्रोडक्शन भी शुरू किया। जैसे अभी हमारे कोकण डिवीज़न में 15 सैनिटाइजर्स बनाने वाले लोग हैं, माने मैन्युफैक्चरर्स हैं, और 3 मास्क बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोकण डिवीज़न में है। तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, लेकिन जैसे डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, तो सबसे पहले मुझे जो जनता है उनको ये बताना आवश्यक लग रहा है कि जो हैंड सैनिटाइजर्स है वो एक्चुअल वो हेल्थ वर्कर्स के लिए होते हैं, जो जो इन्फेक्शन का जो सामना करते हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है। जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे अगर और उसका जो दैट इज़ एन अल्टरनेटिव टू वॉशिंग हैंड्स विथ सोप। आप नॉर्मल सोप से हाथ वॉश कीजिए, ठीक तरह से मसल के व्यवस्थित सब कोने में सोप लगा दीजिए, एक साधारण एक आध मिनट वो सोप अपने रहने दीजिए, ठीक तरह से लगाइए और वो अपना जो फ्लोइंग वाटर है उसके नीचे धो दीजिए। तो बार बार आपको वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। और ये एक अचानक से एक एडिशनल कॉस्ट भी हो गई ना हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग में। ये जो है इसकी इसमें देखेंगे तो ये पूरा सही है, ठीक है ना, डस्ट कंट्रोल वगैरह उसके वो सब उसके लिए है, लेकिन ये इसकी पोरोसिटी ज़रा कम होती है इसमें, तो इसमें जो जो वायरस जो साइज़ होता है इसमें एंटर नहीं कर सकता है इसमें। वही कारण होता है कि इसको इसके लिए स्पेसिफिक इसके है। इवन हम लोग जहाँ पर पैरेंटल इंजेक्शन जहाँ बनाते हैं, आप देखो इंजेक्शन में छोटा पार्टिकल भी अलाउड नहीं रहता, तो ऊपर से जो हवा जो आती है उसकी, तो वो फिल्टर होकर आती है, बहुत 0.2 माइक्रोन से। तो ऐसे ही इसका साइज़ जो होता है पोर साइज़ बहुत कम होता है इससे, इससे कोई इजीली कोई एंटर नहीं कर सकता इसमें, ये थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन एक एक मिथ या ऐसा पैनिक है कि हर एक ने मास्क पहना है, ठीक है ना। अब यहाँ देख किसने मास्क पहना है, किसने नहीं पहना, हमें से किसी ने पहना है, नहीं पहना। एक्चुअली मास्क जो वायरस ये जो है कोरोना वायरस है, कोई भी वायरस बोलो, एक दो चीज़ होती है इन्फेक्शन की, एक वायरस होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है ना वो आपके यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हाथ में मिलेगा। अभी आपको बॉडी हाथ में स्वैब निकालूँ ऐसा इसे पानी से धोऊँ मैं और उस कॉटन को अगर मैं ये इनोकुलेट करूँ तो उसे कहना मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, क्योंकि बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, ऐसे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हमारा दही जो बनता है कैसे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। तो खाने की चीज़ होती है, बहुत सी फर्मेंटेशन चीज़ होती है बैक्टीरिया से, हमारी काम की चीज़ होती है बैक्टीरिया। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो पैथोजेंस को बोलते हैं पैथोजेंस, उससे बीमारियाँ होती है, उससे हमको बचना पड़ता है। लेकिन जो वायरस और वो बैक्टीरिया कहीं भी जन्म ले सकता है, कहीं भी ग्रो हो सकता है, फैल सकता है। ये जो वायरस जो होता है ना, उसको वायरस के लिए एक लाइफ सेल चाहिए होता है, क्या बोलते हैं लाइफ सेल है क्या पेशिया लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग चाहिए होती है। वो ऐसा टेबल में रह नहीं सकता वो, ठीक है ना, या इसके ऊपर या इसके ऊपर इसमें रहता नहीं है, उसको एक लाइफ सेल चाहिए होता है उसके लिए। तो इसलिए वो अगर हवा में जैसे मैडम आप 2 मीटर दूर हो, ठीक है ना, तो मैं मेरे मुँह से थूक से अगर क्रॉस हो रहा है बैक्टीरिया तो आपके पास जाएगा। वायरस हवा में रह नहीं सकता, जिंदा रह नहीं सकता, उसको कुछ तो सेल चाहिए होता है। तो इसलिए अगर आप मेरे पास में खड़े हो और मैं आपके बोलते हो तो मेरे इसमें गया, तो वो सलाइवा से जा सकता है, नाक से जाए, मुँह से जाए, कोई पोर्स से जा सकता है। तो अगर आप मास्क पहने हो, ठीक है, आपने मास्क पहना लेकिन इन्फेक्शन इन्फेक्टेड मैं हूँ लेकिन मास्क आपने पहना है, ठीक है, और मैंने मास्क नहीं पहना सपोज, तो मेरा इन्फेक्टेड जो स्पूटम रहेगा उसके जो वायरस रहेंगे उसमें कोरोना जो भी है वो आपकी इसमें कहीं से भी आ सकता है,
जरूरी नहीं कि अपने नाक को बंद कर लिया, लेकिन ये सब क्या है? हाँ, ये मिलियंस ऑफ पोर्स हैं हमारे इसमें। यस, ये इससे हो सकता है हम आँख टच करते हैं, कितने बार हम आँख ऐसे टच करते हैं। तो जिसको इन्फेक्शन है एक्चुअली उसने मास्क पहनना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।